हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। 4 जून मैं अपने छत पर हूँ और यहाँ पर देखिए किस तरह से लगी हुई हैं सब्जियाँ मेरे छत पर। तो मैं अभी आई हूँ छत पर, तो देखिए मैंने यहाँ पे लेमन ग्रास लगाया है। इतनी भीषण गर्मी में ये लेमन ग्रास किस तरह से सरवाइव कर गया। और मैं ये महीने भर पहले लगाई थी, तो देखिए 3 जगह एक यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे हमें लगाए 25 दिन हुए और ये हो गया 1 महीने। दोनों 1 महीने हुआ, देखिए कैसे सरवाइव कर गया। और यहाँ पर भी लगाई हूँ, तो इसमें भी डेली पानी डालती हूँ और ये भी कुछ दिन में सरवाइव कर लेगा, ये भी हरा भरा हो जाएगा। लेमन ग्रास लगाना इस भीषण गर्मी में कितना आसान है। और आप लगाइए तोरई, तरबूज, ककड़ी, तो देखिए ककड़ी में फूल आ रहे हैं। तो इस तरह से आप तरबूज, ककड़ी, तोरई, ये सारे कुछ लगा सकते हैं। तो हमने लगाए हैं, जैसे ही बारिश होगी वैसे ही सारी वेजिटेबल्स फिर से फलना शुरू हो जाएगा। बारिश का इंतजार ही। और देखिए यहाँ पे लेडीज़ फिंगर किस तरह से लग रहा है इसमें, और भी पौधे ढेर सारे लगे हुए हैं लेडीज़ फिंगर के। तो ये सारे बस एक बार बारिश हो जाए तो देखिए पौधे कितने हरे भरे हो जाएंगे और सब्जियां आसानी से मिलेंगे। तोड़ने को तो हमने 2 बार अपने टेरेस से हार्वेस्टिंग कर ली। और ये देखिए यहाँ पे लौकी का है नया पौधा, तो किस तरह से अच्छा चल रहा है यहाँ पे। और ये है तरबूज का, तो हमने काफ़ी लगा दिए यहाँ पे। ये देखिए इधर ककड़ी है, ककड़ी का पौधा है और अनार का है। अभी मेरे छत पर चल रहा कंस्ट्रक्शन का काम, तो यहाँ पे ये दीवार बनाया जा रहा है, तो थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गया है मेरा किचन गार्डन। तो मैं तो अभी नई गार्डनर हूँ, टेरिस गार्डनर, तो मैं अपनी बोरियों में ही अभी तो लगाती हूँ। तो थोड़ी अस्त व्यस्त हो गई है क्योंकि यहाँ काम चल रहा था, तो ये बाउंड्री बन रही है हमारी। तो अभी मैं बताती हूँ किस तरह से मैं अपना ग्रो बैग भरती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपने इकट्ठा कर लिए हैं ग्रो बैग भरने के लिए। ये सारे आइटम, तो ये हमारे जो ये हमारे गार्डन का वेस्ट, कुछ हमारे पेड़ पौधों का वेस्ट जो निकला है, ये सारा मैं इसमें भर दूंगी बैग में। यहाँ पे देखिए ये है किचन वेस्ट, किचन का ये सारा वेस्ट है, तो इसे भी भर दूंगी। और ये सब छोटी छोटी जो सहजन की पेड़ है मेरे घर के पिछवाड़े, तो मैंने यहाँ से ये सारी इकट्ठी कर ली। कुछ सहजन का ही है सारा, ये तो सहजन के फूल पत्ती और इसकी डंठल और इसका जो बीज है, इस तरह से सारा हमने इसमें ग्रो बैग में नीचे डाल दूंगी। उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी डालूंगी, देखिए यहाँ पे हमने डाल दिया। यहाँ पे मैं डालती हूँ थोड़ी मिट्टी, इसके बाद फिर मैं मिट्टी में थोड़ी सी डाल दी इसमें, और फिर भर में कुछ यहाँ पे पत्ते हैं, जामुन का पत्ता जो हमारे घर के अगवाड़े से ही हमने जामुन का पेड़ है वहाँ से इकट्ठा कर ली थी। तो देखिए मैं इसको भी यहाँ पे डाल दे रही हूँ। तो जितना भी कचरा है, चाहे गार्डन का हो या किचन का हो, मैं इसी तरह से अपने ग्रे बैग को भरती हूँ। और फिर मैं डालूँगी इसमें मिट्टी,
तो इसमें हमने पहले से ही मिला रखा है काउडंग मेन्योर, धान की भूसी, किचन वेस्ट, सब कुछ मिला हुआ है। तो देखिए फिर मैं इसमें एक लेयर डाल दी और इसके बाद फिर मैं इसमें दबा दूंगी। और फिर यहाँ पे देखिए किचन वेस्ट, तो इसे किचन वेस्ट को भी मैं डाल देती हूँ। तो ये सारा किचन का साग वगैरह जो है, जैसे कभी ना बना पाओ तो ख़राब हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो सब छिलके जो मैं लिक्विड बनाती हूँ उसका छिलका सब यहीं पे लाके डाल देती हूँ। इस तरह से कैबेज वगैरह जो भी है, तो इस तरह से मैं भर देती हूँ। और फिर इसमें एक लेयर मैं डालूँगी अपने गार्डन का जो हमने बना रखा है पहले से खाद, तो इसमें काउडंग मेन्योर, धान की भूसी, सब कुछ और थोड़ा किचन वेस्ट डाल के हमने ये बनाया था। तो देखिए कितना देखने में उर्वरक लग रहा है ये खाद, बिल्कुल बन के तैयार है और ब्लैक कलर का हो गया है। तो देखिए इस तरह से मेरा ग्रो बैग भर गया और मैं इसमें अभी पौधे लगा सकती हूँ। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो हमने एक मल्टी लेयर डाल दी ऊपर से और नीचे सारा वेस्ट है, कचरा है। और इस तरह से मेरा ग्रो बैग तैयार हो गया और मैं चाहूँ तो इसे और भी दबा सकती हूँ और इसी में पौधे लगाऊंगी। तो इसी तरह देखिए मेरा ड्रैगन का प्लांट कितना अच्छा चल गया है। उम्मीद है कि फ्रूटिंग होगी इसमें। तो अभी इसमें मैं पौधे लगाऊंगी। लौकी, कद्दू, कुछ भी लगाया जा सकता है इस तरह से तैयार ग्रो बैग में। तो अभी इसमें मैं लगाऊंगी, बाकी और सब तो अच्छा ही है, अच्छा चल रहा है गार्डन। बस अभी इसमें करूंगी वाटरिंग। तो अभी शाम का समय है तो पानी भी डालने का समय हो रहा है पौधों में। सुबह मैंने पानी डाली थी और फिर सारे पौधों को पानी दे दूंगी। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है कि बारिश होने पर अच्छी फ्रूटिंग होगी। अब तुरई का फूल देखिए, जो काटे वाली तुरई है, रात को किस तरह से खिलती है। नेनुआ सुबह को खिलता है, जो स्पॉन्ज गार्ड है। और ये है तरबूज, यहाँ लेमन ग्रास में मैं डेली पानी डालती हूँ। ये मैंने अभी नया लगाया है। तो आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।